Hey everyone, welcome back to my channel and how are you all? So today's video is going to be very informative. मुझे informative videos बनाना ना बहुत पसंद है क्योंकि मैं जिस field में हूँ I guess I am in profession of a lawyer. तो मुझे लगता है ना कि information दो और आज जो हम situation face कर रहे हैं उसके लिए I guess ये information बहुत ज़रूरी है. मैं बहुत time से video बनाना चाह रही थी लेकिन आखिर वो time वो आ ही गया. और ये जो क्यों बना रही हूँ मैं कि मैं आपको इसका रीज़न बता दूँ, मैं उस फेज से ना गई हूँ. जब मुझे टाइफाइड हो गया था तो आप लोग को पता ही है कि मैं लॉकडाउन के बाद तुरंत से ही मुझे वो इफ़ेक्ट हो गया था जो कि पहले मैंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया. बट मुझे लगा कि मुझे शायद यही चीज़ तो नहीं हो गई है, कहीं मुझे COVID-19 तो नहीं हो गया है. मैंने उसका भी टेस्ट करवाया फ्रेंड्स, मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने उसका भी टेस्ट करने के लिए बोला बट वो नेगेटिव निकला. तो फाइनली ब्लड रिपोर्ट्स आए तो उसके बाद पता चला कि मुझे टाइफाइड हुआ है और इट वॉज माइल्ड. बट मुझे वो पूरा एक महीने के लिए रहा. डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला था और टाइफाइड कैसा होता है कि वो रीअकर भी हो सकता है बॉडी में, तो इसलिए मैं उस फेज से गई हूँ. भले ही हमें वो ना हुआ हो लेकिन कोई सिम्टम भी दिखता है ना उसका तो भी हमें लगता है कि हमें वही चीज़ हो गई है. ये मैं जो है फैक्ट बता रही हूँ आपको. कभी कुछ गले में खराश हो गई तो वो लग रहा है कि आपको वही तो नहीं हो गया. तो ये चीज़ें जो है ना ये कन्वर्ट होती है इनटू मेनी अदर थिंग्स जैसे कि एन्जाइटी और पैल्पिटेशंस. ये सब चीज़ें मैंने उस 30-40 डेज में बहुत फेस की है. लिटरली बता रही हूँ, मैं मेरी मम्मी को रोके कॉल करती थी और शी स्टेइंग इन द सेम बिल्डिंग फॉर मतलब गॉड्स ग्रेस है कि मेरी मम्मी सेम बिल्डिंग में रहती है. तो मैं रो के बुलाती थी और मैं एकदम से मम्मी आती थी तो मैं चिपक जाती थी मम्मी से कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है. सो ये चीज़ें मैंने फेस की है, पहले मैंने कभी फेस नहीं की थी. आज मैं यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि मैं इस तरह से नहीं थी उस 40 डेज में. आई वॉज टोटली डिफरेंट और मुझे पता नहीं क्या हो गया था. आप लोग को बताना चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कि आप लोग को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आफ्टर लॉकडाउन. ऐसा नहीं है लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो ये चलो बाहर चलो, बिल्कुल भी नहीं. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट 5 थिंग्स नॉट टू डू आफ्टर लॉकडाउन. उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है लेकिन ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. लिस्ट तो या वो है ना कि काउंट ही नहीं कर सकते हम कितने नंबर्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए. लेकिन ये 5 मेजर चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सजेशंस भी दूंगी तो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट जो है आपको क्या नहीं करना है वो है प्लीज़ अवॉइड सैलों और पार्लर्स. तो यस, ऐसा नहीं है लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो चले सब लोग आईब्रो करने और थ्रेडिंग करने और ये करने वो करने, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. ये बहुत ही जो है रिस्की हो सकता है आप लोगों के लिए. एटलीस्ट लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एक महीने के लिए एटलीस्ट आप पार्लर मत जाइए. क्यों? पार्लर के बिना हम सुंदर नहीं लग सकती. इसलिए मैं घर पे ही कर रही हूँ और आप लोग भी वही कीजिए. चाहिए तो आप उसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि चीज़ें आपको लेनी है आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, शॉप से ले सकते हो. जैसे कि आपको थ्रेडिंग वाला थ्रेड भी मिल जाएगा या फिर आपको प्लकर्स मिल जाएंगे, जो भी है फेशियल किट्स होते हैं घर में सब कुछ, आप आराम से अपना टेक केयर कर सकते हो. पार्लर्स और सैलून आपको क्यों अवॉइड करना मैं आपको बता देती हूँ. वहाँ पर जो चीज़ें यूज़ होती है ना वो कॉमन होती है. जैसे कि अगर कोई आ गया, कोई किसी के बाल काट रहा तो वही सीजर यूज़ करते हैं, वही कोम यूज़ करते हैं, थ्रेडिंग के लिए वही थ्रेड यूज़ करते हैं. और ऐसा भी तो है ना कि आप किसी से एक्सपोज हो रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है वहाँ पे पार्लर में. ऑब्वियसली आपके साथ जो है जो कि थ्रेडिंग करेगा बाल कट करेगा वो सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं निभाएगा. तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए. एटलीस्ट लॉकडाउन के बाद एक महीने के लिए आपको पार्लर नहीं जाना है. आई थिंक आप उससे भी ज़्यादा अगर अवॉइड कर सकते हो तो कीजिए. अब 2 महीने से हम पार्लर नहीं गए हैं लेकिन फिर भी हम ठीक है. सो आई थिंक ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए. सो सेकेंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है कैश पेमेंट्स. गो कैशलेस प्लीज़. अभी जितना आप कैशलेस जाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है बिकॉज ऑब्वियसली कैश आप किसी के हाथ से ले रहे हो, आप किसी को दे रहे हो, तो ये चीज़ आप अवॉइड कीजिए. बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, अभी गूगल पे है, पेटीएम है और बहुत कुछ है, तो इसलिए प्लीज़ उसका फ़ायदा लीजिए. उसके थ्रू पेमेंट कीजिए, ट्रांजेक्शन्स कीजिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कीजिए और कैश पेमेंट्स को जो है बहुत अवॉइड कीजिए. लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि आपको कैश से ही ट्रांजैक्शन करना पड़ जाता है बहुत जगहों पर, जैसे कि ऑटो है या फिर सब्जी वाला है या जो भी है जो पेटीएम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस यूज़ नहीं करते हैं. तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपका जो भी वॉलेट है पैसों का उससे अलग आपके पास एक पाउच होना चाहिए. जैसा भी हो, मैं आपको यहाँ पे बस एज एन ऑप्शन शो कर रही हूँ, एक पाउच अपने पास रखिए अलग से जिसमें जो है अगर आप किसी को कुछ कैश दे रहे हो, अगर कोई आपको कैश रिटर्न कर रहा है,
है, आपको छुट्टे दे रहा है, जो भी है, तो प्लीज आप उनको बोलना कि ये है मेरा पाउच, आप इसमें मेरे पैसे रख दीजिए। तो जिस तरह से वो है, आपके वो पैसे को आपका जो है टच नहीं होगा, आप उसे हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन वो पैसे वो पाउच में डाल देंगे। उसके बाद आपको पाउच बस बंद कर देना है, डोंट टच दैट पाउच फॉर एटलीस्ट अ डे। उसके बाद आप जो है उसको टच कर सकते हो, जो भी है, लेकिन पैसों का ट्रांजैक्शन जितना आप कम कर सको उतना करो। फ्रेंड्स, गुडविल में एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, किसी ने आपके साथ कैश ट्रांजैक्शन कर लिया या फिर कोई चीज़ है जो आपसे ले ली है, तो आप प्लीज़ उन्हें फिर सैनिटाइज करने के लिए जो है, अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो उन्हें दे भी दीजिए। ऐसा होता है कि लोग सैनिटाइज़र नहीं रखते हैं अपने पास, ये इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही बड़ी जो है एक चीज़ बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो, बहुत लोगों को आप इस तरह से हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज़ जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, आपसे कुछ लेते हैं, तो उनको बोलो कि ये लो मेरे पास सैनिटाइज़र है, आप लेकर थोड़ा सा अपना हाथ सैनिटाइज़ कर लो, इन केस के पास अपना सैनिटाइजर नहीं है। तो यस, तो ये आप अपनी विलिंगली कर सकते हो, लोगों को इस तरह से छोटी सी हेल्प आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, थर्ड चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है अवॉइड क्राउडी प्लेसेस आफ्टर लॉकडाउन। ये आपको पता ही है, राइट? ये आपको पता है, आप बोलोगे कि मुझे क्यों बता रही है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये लॉजिकल बात है, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ये बातें समझ में नहीं आती है, और इसलिए मैं चाहती हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप अवेयरनेस फैलाओ। आई नो माई गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन प्लीज इसको शेयर करो आप वीडियो को, ताकि लोगों को समझ में आए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए इंसान को। और क्राउडी प्लेसेस मतलब होते हैं मॉल्स और बहुत सारे थिएटर्स होते हैं, या फिर कोई वेडिंग फंक्शंस अटेंड करने आप चले जाते हो, तो आपको ये चीज़ें ना बहुत ध्यान में रखनी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बहुत एक टाइम पीरियड है, जैसे कि 5-6 महीने आई गेस, आपको ये अच्छे से फॉलो करना है कि आप थोड़ा सा क्राउडी प्लेसेस को अवॉइड करें, ताकि आप खुद सेफ रहे और आपके घर में जितने लोग हैं वो सेफ रहे। अगर आप सेफ हो तो आपके घर वाले भी सेफ हैं, अगर आप बाहर जाते हो, अंदर आते हो घर में, तो ये आपको प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जो है क्राउडी प्लेसेस से दूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। फोर्थ थिंग इज टू अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड। आपने देखा ना, हम बहुत टाइम से घर का खाना ही बना के खा रहे हैं, हेल्दी है, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम से जो पहले होती थी अभी नहीं हो रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए, घर का खाना ही खाइए, बाहर का खाना प्लीज़ नेक्स्ट मैं तो बोलूँगी 6 महीने के लिए आप अवॉइड कर दो। घर का खाना खाइए, जो आपको लग रहा है कि ये आप मिस कर रहे हो चीज़ें, तो घर पर बना के खाइए, कुछ नहीं होगा। और इससे क्या है, आप सेफ रहोगे, आपके घर पे जो ओल्डीज है वो सेफ रहेंगे, आपके बच्चे सेफ रहेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी बहुत लोग जो है बाहर से खाना मंगवाते हैं और खाते हैं। मैंने खुद अपनी सोसाइटी में देखा है, डोमिनोज के पार्सल्स आते हैं, और मतलब ये लोग अपने फ़न के लिए भी मंगवाते हैं, यार बहुत टाइम से पिज़्ज़ा नहीं खाया, चलो खा लेते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये आप ही को आपका केयर करना है। आप कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कुक करना नहीं आता है, तो उनके लिए भी बहुत सारे टिफ़िन सर्विसेज अभी शुरू हुई है, तो उसका आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड आउटसाइड फूड। टिफ़िन सर्विसेज में एक्चुअली बहुत से ध्यान से, बहुत हाइजीन से खाना बनाया जाता है, तो उसको ऑप्ट कीजिए, और बाहर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना अवॉइड कीजिए। फिफ्थ थिंग टू अवॉइड इज़ प्लीज़ स्टॉप यूजलेस एक्सपेंसेस। तो येस, अभी आपको पता है क्या सिचुएशन है बाहर, और लोगों को आधी सैलरी मिल रही है, किसी किसी को तो पूरी नहीं मिल रही है, किसी किसी की तो जॉब जा रही है, तो ये चीज़ें बहुत देखने में आ रही है। तो प्लीज़ आप जो है, अगर कोई चीज़ यूज़फुल नहीं है, लग रहा है कि नहीं इसको नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा अभी के टाइम के लिए, तो उसको अवॉइड कीजिए। कुछ एक्सपेंसेस है जो आप पहले करते थे तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए इन केस वो ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें लीजिए, जैसे कि ग्रॉसरी है, आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए है, या फिर कुछ भी ज़रूरी चीज़ें जो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, वो आप ले सकते हो। लेकिन प्लीज़ बाकी यूज़लेस एक्सपेंसेस को आप अवॉइड करें, और इससे क्या होगा कि आप खुद जो है सेविंग कर पाएंगे, और इससे बहुत सारा डिफरेंस होगा। आगे जाके ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कभी फाइनेंशियल इश्यूज हो जाए, तो ये सेविंग है जो आपको काम आएगी। प्लीज़ आप लॉकडाउन के बाद भी मास्क पहनना मत भूलिएगा। मास्क आपको अगले 6 महीने के लिए तो मैं एटलीस्ट बोलूँगी कि आपको पहनना ही है, ये आपके प्रिकॉशन के लिए ही है। और मैं आपको बोलूँगी कि सैनिटाइज़र का आप छोटा सा बॉटल जो है, इस तरह का बॉटल कैरी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा बॉटल मत कैरी करो। फिर से एक केस हुआ था दिल्ली में जो है, सैनिटाइज़र की वजह से गाड़ी में ब्लास्ट हो गया था। सो प्लीज़
बड़ा बॉटल अवॉइड कीजिए, छोटा सा चलेगा, आप इसको कैरी कर सकते हो। आप वेट टिश्यूज को भी अपने साथ रख सकते हो, ये हैबिट बना लो, क्योंकि आपने कहीं पर टच कर लिया, आपको लग रहा है मैंने टच तो कर लिया। सैनिटाइजर आपके पास अगर नहीं है तो एटलीस्ट वेट टिश्यू तो होना चाहिए, ताकि उससे जो है आप अपने हाथ को अच्छे से पोंछ सकते हो, लेकिन आपको सैनिटाइजर आपके पास तो होना बहुत ज़रूरी है। ये आप अगर आप एक चीज़ और कर सकते हो तो आप जो है इस तरह के ग्लव्स पहन सकते हो। ये देखिए इस तरह के ग्लव्स मिलते हैं मेडिकल में, अगर ड्रग स्टोर में, तो वहाँ से आप इस तरह के ग्लव्स पहन सकते हो। मैंने ये बहुत सारे ले लिए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ये पहन कर ही जाती हूँ। और इस तरह का मेरे पास N90 है, ऐसे पता नहीं मास्क को क्या कहते हैं, बट ये मास्क मैं यूज़ करती हूँ पर्टिकुलरली। तो ये वाले मास्क हमने सबके लिए ले लिए हैं, तो ये मास्क और इस तरह के ग्लव्स पहन के मैं बाहर निकलती हूँ। और जब भी आप बाहर से आओ तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपने मास्क को भी अच्छे से वॉश करें और आपके ग्लव्स को निकाल के अच्छे से उसको डिस्पोज कर दें, और आपके हाथ जो है अच्छे से जो है आप अपने हाथ डिटॉल से धो लें। तो इस तरह से आपको प्रिकॉशंस लेना है, केयर करनी है खुद की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो मैं बताना चाहूँगी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल नेक्स्ट टू इट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।